नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण पर। आज हम आपके साथ इस लेक्चर में हरियाणा NTSC सेट 2019-20 कोड नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस एक्स कोमा वाई ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो इस चीज में, जिस पे हम लोगों ने भूत बनाया। आपको कि सर हंस रहा है, भूत हंसता थोड़ी है। एनटीएससी के पेपर में तो हंसी छोड़ो, ऐसा लगता है जैसे आधा पेपर आता है और आधा नहीं आ रहा है, आपको भूत की सूझ रही है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब समझ में आना चाहिए। इंटीग्रल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हर बच्चा निकालेगा, लेकिन इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है जो भी आपका आंसर है दैट शुड बी एन इंटीजर। ठीक है जी, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का 8 दिस इज इक्वल टू 0 एंड द नेक्स्ट वन एक्स का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का वाई दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम है कि हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आएगा क्या, माइनस का एक्स वाई प्लस का 8x। इसको लिखेंगे तो 8 माइनस वाई और जीरो में से जीरो जाएगा तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, यहां से हमने एक्स को बाहर निकाला तो माइनस का वाई प्लस का 8, इसको लिखेंगे 8 माइनस वाई दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से 8 माइनस वाई बाहर आ रहा, तो 8 माइनस वाई को हमने बाहर निकाल लिया, तो बीच में हमारे पास क्या आएगा, x प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 8 माइनस वाई को बाहर निकाला तो बीच में हमारे पास x प्लस का 1 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि किसी भी दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो 100% गारंटी है कि वो दोनों के दोनों नंबर जीरो होंगे, या तो पहला जीरो होगा या तो दूसरा जीरो होगा। ठीक है, तो जब आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ जाएगी और जब आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक बार हमने इसके बीच में y की जगह 8 रखेंगे और एक बार x की जगह माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 8 सॉरी प्लस का 8 दिस विल बी 0। तो x का वैल्यू कितना है, माइनस 1 पुट करो। अगर x का वैल्यू माइनस 1 है तो पुट करने से माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 1 वाई और प्लस का 8 दिस इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, इसको लिखेंगे प्लस का y प्लस का 8 दिस शुड बी 0, दिस विल बी y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, दैट मींस वैल्यू ऑफ y शुड बी इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो इसका मतलब जो माइनस 9 है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन है तो इंटीजर, तो इसका मतलब पहला सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, एक सॉल्यूशन हमें मिल गया माइनस 1 कोमा माइनस 9। ठीक है, ये हमारे पास एक्स का वैल्यू है और ये हमारे पास किसका वैल्यू है, वाई का, एंड बोथ आर द इंटीग्रल पॉइंट्स। अब चलते हैं वाई इज इक्वल टू 8, तो वाई की जगह पे 8 लगा दो, तो जब आप इसमें वाई की जगह पे 8 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो माइनस का 8x और इसको लिखेंगे तो प्लस का 8 दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। आप इसके फैक्टर्स बना के देख लीजिए, मैं डिस्क्रिमिनेट वाले मेथड से बनाता हूं, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर, सो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इनटू 1 इनटू 8 डिवाइड बाय 2 इनटू 1, सो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस इसको लिखेंगे 64 माइनस का 32 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। जो भी यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x विल बी 8 प्लस माइनस 32 डिवाइड बाय 2, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल भी ये वाली चीज जो है इंटीजर को बिलोंग नहीं करती, क्योंकि ये वाली चीज इंटीजर तो आएगी नहीं, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 32 जो है वो पॉइंट्स के बीच में आएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर जो हमारे पास y का वैल्यू 8 था, तो आप ऐसा लिख देना y का वैल्यू 8 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y का वैल्यू 8 हुआ तो x का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, जबकि x और y दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो ये वैल्यू तो नेगलेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया, दैट इज x कोमा y। जो x हमारे पास है वो कितना है, माइनस 1,
और जो y हमारे पास है वो कितना है -9, तो सिर्फ एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू -1 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू -9। इसके अंदर नहीं तो बहुत सारे लोग दो आंसर लिख के आते हैं, बोलते सर दो भी क्यों, तीन आंसर लिख के आएंगे, बोलेंगे सर एक तो ये है और दो यहां से निकलेंगे। भाई दो तो निकलेंगे यहां से, लेकिन समस्या ये कि इंटीजर नहीं है और हम लोगों को सॉल्यूशन कैसा चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, सो ओनली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी देयर व्हिच इज सेज एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।